हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, हेयर फॉल हो रहा है और बाल बहुत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं और प्लस डैमेज हो रहा है, रफ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर आई हूँ और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ मैं आज आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ जेंटल बीस्ट की। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये रहा जेंटल बीस्ट शैम्पू। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके हेयर फॉल हो रहे हैं वो कम करेगा। इसमें ना ही कोई पैराबेंस है, ना ही कोई सल्फेट है, ना ही कोई केमिकल्स है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड इनरिच विद द पावर ऑफ बायोटिन, हाइड्रोलाइज्ड पी प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड कैरेटिन, डेड शी मिनरल्स एंड फेनुग्रीक एक्सेट्रा। इसमें वो सब है जो आपके हेयर्स को नीड है, जिसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ हेयर शैम्पू से तो काम चलने नहीं वाला है, शैम्पू के साथ हम लोग को और भी कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ है जेंटल बीस्ट हेयर ग्रोथ सिरप। तो फ्रेंड्स, ये हेयर सिरम है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, क्योंकि नरिशमेंट जो है इस पर फ्रेंड्स एलियम सीपा है, डी पैनाटॉल्स है, स्किन प्रोटीन है, हाइड्रोजनेट कैस्टर ऑयल है। तो ये सब आपके हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और इसको चलिए यूज़ करके देखते हैं। पहले हम लोग को सिरम लगाना है, फिर उसके बाद हम लोग हेयर वॉश करेंगे। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, लग भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करती हूँ जेंटल बीस्ट का हेयर ग्रोथ सिरम। और सिरम बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अंदर तक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी आपके हेयर्स को चाहिए वो देता है। और ये जेंटल बीस्ट का हेयर सिरम काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, अब इसको हम लोग को अपने रूट्स पर स्प्रे करना है, स्प्रे करके हल्का सा मसाज देना है। देखिए, कुछ इसको इस तरह स्प्रे करेंगे और इसको शैम्पू करने से एक घंटे पहले आपको करना है, अपने स्काल्प पे मसाज करना है और फिर इसको छोड़ देना। फ्रेंड्स, ये रहा जेंटल बीस्ट का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। दिखाती हूँ, देखिए कुछ ऐसी बॉटल में पैक है और काफ़ी अच्छा शैम्पू है। तो चलिए हम यूज़ करके देखते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जेंटल बीस्ट का हेयर कंट्रोल शैम्पू। तो जब हेयर सिरम करा है उसके बाद शैम्पू भी ज़रूरी है। तो शैम्पू करने से पहले आपको अपने हेयर्स वेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ अपने हेयर्स वेट कर रखे हैं। फिर देखिए, कुछ पाम पे कुछ शैम्पू निकालना है, जितना आप लगाते हैं अपने हेयर लेंथ के हिसाब से, और इसको स्काल्प पे अच्छे से मसाज करना है। देखिए, इसको अपने फिंगर टिप्स से अच्छे से आपको कर लेना है, ताकि जो स्काल्प है आपका वो अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए, कुछ इस तरह इसको करना है और फिर इसको 2 से 3 मिनट तक आपको छोड़ देना है, जैसे आप कंडीशनर लगाकर छोड़ते हैं। तो देखिए, मैंने ये शैम्पू लगाकर स्काल्प पे मसाज कर मैंने छोड़ दिया। फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।